Welcome students, welcome you in St. Angel's Public School online classes, class 7th, geography, chapter inside the earth, topic volcanoes. इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्केनोज क्या होते हैं, कैसे उनकी प्रोसीजर होती है, क्या क्या उसके वर्क होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके ऊपर बात करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं वॉट इज ए वॉल्केनो. वॉल्केनो का अगर हम हिंदी की मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग है इसका ज्वालामुखी. ज्वाला मतलब कि आग, मुखी मतलब कि मुंह, एक ऐसा मुंह जहां से आग निकलती हो तो उसको हम वॉल्केनोज कह सकते हैं. तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या निकल के आती है, सबसे पहले ये बात करते हैं. तो कहते हैं अ वॉल्केनो इज अ वेंट. जो वॉल्केनो है एक वेंट है, वेंट मतलब लाइक ओपनिंग. वेंट क्या होता है, ये जो इसका मुंह होता है वॉल्केनो का जहां से मैग्मा निकलता है उसको हम वेंट कहते हैं. तो वॉल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट, कि जो अर्थ की क्रस्ट है, ये अर्थ की लेयर है और ये क्रस्ट है, इस अर्थ की क्रस्ट के ऊपर क्या है, एक मुंह है, वेंट है, विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली, जहां से मोल्टन मटेरियल मतलब कि मैग्मा क्या करता है, निकलता है, विस्फोट होता है एकदम से, उसको हम कहते हैं वॉल्केनो. तो वॉल्केनो क्या है, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर एक मुंह है जिसमें अचानक एक मैग्मा या पिघला हुआ तरल पदार्थ निकलता है अचानक, इसको हम कहते हैं वॉल्केनो. इसके बाद ये होगी वॉल्केनो की प्रॉपर डेफिनेशन. अब डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं कि वॉल्केनो के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसको क्या क्या कहते हैं. तो सबसे फर्स्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो ये रेड है, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये हॉट लिक्विड है, इसको हम मैग्मा कहते हैं. और यही मैग्मा जब अर्थ की सरफेस के ऊपर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, लावा बन जाता है. तो यहाँ पे जो ये फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये लावा फ्लो कर रहा है. और जब ये अर्थ की सरफेस के अंदर रहता है तो इसको हम मैग्मा कहते हैं. और ये एक चैम्बर है और इस चैम्बर को क्या कहा जाता है, मैग्मा चैम्बर कहा जाता है, क्योंकि यहां से मैग्मा धीरे 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 क्या होता है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है. इसके बाद ये ब्लैक कलर की, इसको कहा जाता है ऐश लेयर, मतलब कि जब ये जो प्रोसेस होती है बार बार होती रहती है, तो बार बार ये ठंडा होता है मैग्मा जो बाहर निकल के लावा होता है, ये ठंडा हो जाता है, फिर से कुछ टाइम बाद तो ठंडा होने के बाद उसकी राख बन जाती है, तो ये ऐश लेयर कहलाती है. इसके बाद अगला जो ये इसमें ये स्टोन्स हैं, ये मेन पत्थर हैं, इनको कहा जाता है वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहा जाता है. इसके बाद यहाँ पर जो ये आग से निकल कर जो ये क्लाउड्स बन रहे हैं तो इसको कहा जाता है क्लाउड्स ऑफ वॉल्केनिक ऐश, कि मतलब कि वॉल्केनिक ऐश मतलब राख के ये क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं. इसके बाद वेंट, जो ये ओपनिंग मुंह होता है. इसके बाद जो ये पूरा का पूरा लाइन है जहां से मैग्मा निकल रहा है इसको पाइप कहा जाता है. तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें ये मैग्मा बाहर निकलता है. तो ये होता है वॉल्केनो का पूरा प्रॉपर, और इसके ये पार्ट्स के इसके नाम है. अब इसमें एक चीज ये निकल के आती है कि वॉल्केनो से हमें क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यही कहता है, हाउ डज इट कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, कि जब वॉल्केनो फूटता है तो वॉल्केनो के फूटने से इसमें क्या क्या, इसकी अर्थ के सरफेस पे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. तो सबसे पहले जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है इसके आसपास वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है. क्यों, क्योंकि ये लिक्विड पूरी की पूरी सारी के सारी जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए चलता है. सेकेंड चीज, जो इसके आसपास के लोग रहते हैं वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है. एटमॉस्फेयर में मेन एटमॉस्फेयर खराब होने लगता है, उसमें हीट ज़्यादा होने लगती है. इसके बाद तो ये प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट होती है, वो भी किसकी वजह से, वॉल्केनो की वजह से. तो इस टॉपिक में हमने बात की वॉल्केनोज के बारे में. आपके लिए तीन क्वेश्चन है. सबसे पहला क्वेश्चन, जब ये लावा बाहर निकल कर कोल्ड और सॉलिड हो जाता है तो कौन सी वहाँ पर रॉक की फॉर्मेशन होती है, ये आपको बताना है. सेकेंड आपको ये बताना है कि जब ये मैग्मा यहाँ पर कोल्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो यहाँ पे कौन सी रॉक की फॉर्मेशन होती है. और थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि यहाँ पर इस वाले पार्ट पर कौन सी रॉक की फॉर्मेशन होती है.
तो सबसे पहले एक यहाँ पर बताना है कौन सी रॉक की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर बताना है कौन सी रॉक की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर बताना है कि कौन सी रॉक की फॉर्मेशन होती है। ये तीन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं। थैंक यू।